سامي كبير فيهم بعد. يلا أبو شرطة مال هندوسي تقول بعد. नमस्कार, जय हिंद। मैं विशाल यादव और आप देख रहे हैं ओनली न्यू नेशन। इस्लाम पर आवाज उठाने की सर कलम कर दिया जाएगा और आपने बेंगलोर में देखा था। जब बात इनके मोहम्मद पैगंबर पर आती है तो ये पूरा देश जलाने की बात करते हैं। जब बात इनके पैगंबर पर आती है तो हिंदुओं की गला काटने की बात करते हैं। लेकिन वहीं पर जब ये खास समुदाय हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं, उनके मंदिर तोड़ते हैं, तो क्या ये सही है? अभी आपको ले चल रहा हूं, सीधे दिखाऊंगा वो खबर कि किस तरह से बुर्के में रहने वाली महिला, जी हां, सोचिए, ये अल्पसंख्यक हैं, ये अल्पसंख्यक हैं तो ये हाल है। अगर ये बहुसंख्यक होते तो जला देते हिंदुओं को। अभी तस्वीर दिखाएंगे, अभी आपको वीडियो दिखाएंगे, आपका भी दिल दहल जाएगा और हिंदू होने पे शायद आपको एक बेइज्जती महसूस होगी, क्योंकि इनके इस्लाम पर कोई आवाज उठाए तो इनको बहुत बुरा लगता है। और यही लोग जब हिंदुओं की आस्था पर, हिंदुओं के चरित्र पर सवाल उठाते हैं तो इनके लिए कौन सा प्रावधान होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्योंकि आपने देखा था अयोध्या में, आपने देखा था काशी में, आपने देखा था मथुरा में, लेकिन आज जो हुआ है, आज दिल दहलाने वाली खबर है। क्योंकि हिंदुओं, ये बहुसंख्यक हैं हिंदू, लेकिन आज भी बहुसंख्यक के साथ किस तरह से, उनके देवी देवताओं के साथ किस तरह से बदतमीजी की जा रही है, अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा। जिन देवी देवताओं के आगे हिंदू अपना सर झुकाते हैं, अपना मान सम्मान करते हैं, अपने पूर्वज बताते हैं, उन्हीं पूर्वजों के साथ, उन्हीं देवी देवताओं के साथ बदतमीजी की जा रही है। पहले आप देखिए ये फोटो, आपके स्क्रीन पर फोटो मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए फोटो, एक मुस्लिम महिला है जो बुर्के में है। सोचिए साहब, बुर्के में रहने वाली इस महिला की असलियत क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पर्दे का पीछे का राज ही कुछ और होता साहब, वो भी इस समुदाय में कुछ ज्यादा ही होता है। चलिए पूरी वीडियो दिखाऊंगा, बस अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में इनके लिए दो चार लाइन जरूर लिखिएगा, जो हिंदुओं के देवी देवताओं पर गंदे कमेंट करते हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं, उन मूर्तियों के साथ बदतमीजी करते हैं। बता दें, बुर्का पहनी महिला ने गणेश प्रतिमा को तोड़ा है, जमकर वहां पर हंगामा हुआ है, और महिला ने यह भी कहा है कि यह इस्लामिक देश है। जी हाँ, पॉइंट शुड बी नोटेड, महिला ने यह भी कहा है कि यह इस्लामिक देश है। सोचिए साहब, बता दें आपको, बहरीन की सुपरमार्केट में बुर्का पहनी महिला का गणेश प्रतिमा को तोड़ते हुए वीडियो स्पेशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इसे हिंदू समुदाय की खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। बहरीन में बुर्का पहनी महिलाओं का हंगामा, सुपरमार्केट में तोड़ी गणेश जी की मूर्तियां। महिलाओं का आरोप, जो आरोप उन्होंने लगाया है कि मुस्लिम देश में गणेश प्रतिमा को नहीं बेचा जा सकता, पूजा करने पर भी धमकी दी गई है। पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ केस को दर्ज कर लिया है और आंतरिक मंत्रालय ने पुष्टि भी कर दी है। बता दें आपको, जिस तरह से महिला ने बिक्री के लिए रखी गई मूर्तियों को तोड़ा, वीडियो में दो महिलाएं बुर्का पहने सुपरमार्केट के गलियारे में खड़ी दिखाई दे रही, जिसमें हिंदू उत्सव गणेश चतुर्थी के लिए भगवान गणपति की मूर्तियां रैक पर रखी दिखाई देती हैं। महिलाओं में से एक ने मूर्तियों को उठाया और उन्हें एक एक करके फर्श पर फेंकने लगी, जिसके बाद मूर्तियां टुकड़ों में बिखर गईं। महिला बोली, यह मोहम्मद बिन ईसा का देश है। फिर से सुनिएगा, महिला ने कहा है, यह मोहम्मद बिन ईसा का देश है। दूसरी महिला ने अपने मोबाइल फोन पर इस घटना को रिकॉर्ड किया। महिला को अरबी पे सुपरफास्ट में एक कर्मचारी को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है। महिला ने मुस्लिम देश में बेची जा रही गणपति की मूर्तियों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह मोहम्मद बिन ईसा का देश है, क्या आपको लगता है कि उन्होंने इसे मंजूरी दी है? आप भी सोशल मीडिया पर देखते होंगे, आप भी फेसबुक पर देखते होंगे, जहां पर
कुछ खास समुदाय के लोग देवी देवताओं के साथ गंदी तस्वीरें खींचते हैं और उसको शेयर कर देते हैं और कमेंट भी उल्टे सीधे करते हैं। उन्हीं लोग के लिए आज मैं सख्त संदेश देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक हैं और जो देवी देवता हैं यहाँ पर उनके प्रमाण भी हैं। अगर उनके साथ छेड़खानी की जाए तो ये हिंदू धर्म पर सीधा का सीधा लांछन है, बेइज्जती है। बता दें आपको, महिला के खिलाफ तो केस दर्ज हो चुका है और गणपति की मूर्तियों को तोड़ने वाली महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बात करें तो 54 वर्षीय महिला पर एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं और अनुष्ठानों का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। जिस तरह से आंतरिक मंत्रालय ने भी कहा है कि पुलिस ने एक दुकान को नुकसान पहुंचाने और संप्रदाय और उनके अनुष्ठानों को बदनाम करने के लिए महिला के खिलाफ कानूनी किया जाए। जिस तरह से ये महिला देखा आपने, जिस तरह से इस महिला ने बदतमीजी पर उतर, यानी जो गणेश चतुर्थी के लिए गणेश भगवान की मूर्ति रखी थी उनको एक एक करके फर्श पे पटका गया, तोड़ा गया, जहाँ पर हिंदू की आस्थाओं पर सवाल उठने लगता है वहाँ पर नारेबाजी लगने लगती है। सोचिए साहब कि आज यही कोई नई बात नहीं है, इसे हम कोई नई बात नहीं कह सकते, इसके पहले भी आपने देखा, आप रोजाना देखते हैं कि किस तरह से हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जहां पर हिंदुओं की भगवान की मूर्ति होती है वहीं आसपास खास समुदाय अपना अड्डा बना लेते हैं, वहीं आसपास ईदगाह या मस्जिद का निर्माण करा दिया जाता है और उसके बाद वहां पर जो भगवान स्थित होते हैं उनकी प्रतिमा को तोड़ दिया जाता है और जो भी भक्त होते हैं, पुजारी होते हैं, उनको सरेआम मारा जाता है और वही वीडियो वही फोटो सोशल मीडिया पर भेज दी जाती है, जिसको देखने के बाद खास समुदाय गाली देता है। वहीं पर एक हिंदू समाज, एक हिंदू धर्म शांति से कुछ दो चार लाइन लिखकर शांत पड़ जाता है और वहीं पर अगर इस्लाम पर कोई एक शब्द बोल दे तो उसका गला काट दिया जाता है। आज जिस तरह से कई इस्लामिक देश हैं, बस दुख की बात यह है कि एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, यही दुख की बात है। और अगर हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता तो विश्व का कोई भी देश नहीं है जो हिंदू राष्ट्र बन सके। इसी को धर्मशाला, अभी तक धर्मशाला है हिंदुस्तान, लेकिन इसी हिंदुस्तान को अब ज़रूरत है हिंदुओं की, क्योंकि यही एक ऐसा देश है जहां पर हिंदुओं का सम्मान किया जा सकता है। इसीलिए आप वीडियो को शेयर करें, जब आप वीडियो को शेयर करेंगे तो सच और सच्चाई दुनिया के सामने होगी और यहां पर आज इस्लाम नंगा भी होगा। वीडियो समाप्त कर रहा हूं, अनुरोध करता हूं वीडियो शेयर कीजिए, बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।